राजस्थान में भजनलाल सरकार अब वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर लगातार गंभीरता से काम कर रही है। इसे लेकर बीते दिनों विधानसभा में भी सरकार ने बजट के दौरान इसके संकेत दिए थे। इसी बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर संकेत स्पष्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में नियम लागू होगा। झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस नियम को लागू करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मंत्री के इस बयान के बाद इस पर संकेत देखने को मिल रहे हैं कि आगामी दिनों में राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सारे चुनाव लागू होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा में बीते दिनों वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट के दौरान संकेत दिए थे कि राजस्थान में जल्द ही वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होगा। इसे लेकर लगातार भजनलाल सरकार के मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं राजस्थान में आगामी दिनों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासत में यही माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार इन चुनावों को वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत करवाने की तैयारी कर रही है। वहीं मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी संकेत दिए हैं कि इस नियम को लागू करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मीडिया से बातचीत करते हुए झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसके बाद इस बयान को लेकर जमकर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार इस बयान का मतलब निकालने में लगे हुए हैं। माना जा रहा है राजस्थान की जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं है। ऐसे में भाजपा को हारने का भी डर नहीं है। यहां आपको बता दें कि देवली, दौसा, झुंझुनू तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में रह चुकी हैं। वहीं नागौर जिले की खींवसर और डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट RLP और बार पार्टी के खाते में रह चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्री का यही इशारा है, अगर भाजपा उपचुनाव हार भी जाती है तो भाजपा को कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सीटें पहले से ही भाजपा के खाते में नहीं है।